अजय हम ऊपर से आए किधर? सही चल रहा है पर आज पार्टी तो नाश्ता सो भाई मस्त काम चल रहा है। हम घर आ चुके हैं तो सबसे पहले कैप उतारते हैं। यार ये कैप मैं नहीं लगा था, ये दोस्त की बड़ा भाई, ये तो ये पानी डालेगा इसे। भाई बड़े भाई के साथ थोड़ा तमीज से रहना चाहिए बाबा। चल निकल यहां से। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज का व्लॉग कुछ खास होने वाला है क्योंकि आज है संडे और मैं काफ़ी लेट तक सोया था। अभी उठ गया, नहा धो के तैयार हो गया, नाश्ता हमने कर लिया है और आज घर में थोड़ा काम चल रहा है ये खिड़कियों का, तो बाहर काम चल रहा है, आवाज़ आ रही होगी आपको, तो वो भी दिखाएंगे आपको और थोड़ा सा गाँव वगैरह भी घूमेंगे और देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है। तो चलो मेरे साथ। दोस्तों एक बात और थी, क्योंकि कल मेरा एक महीना पूरा होने जा रहा है व्लॉगिंग के, तो देखते हैं कल कैसा रहेगा। फिलहाल तो काम चल रहा है यहाँ पे। हाँ अपर टाइम तो 20 तक नहीं होगा खत्म। बैसाखी 14 बोल रहे थे। हाँ 14 फिर 14 दिन बैसाखी का भी आ जाएगा। 10, 1, 11, 2 अच्छा 13 आ जाता है, 4 आज 10 से ये वालियों को भी थी, बाहर वालियों को भी, उस वाली को भी, उसको नहीं है। चलो अभी मैं अंदर आया तो कॉल आई थी अंकल की, बोल रहे थे कि नीचे मंदिर में डेकोरेशन करनी है क्योंकि बैसाखी आने वाली है। 14 बोल रहे थे बैसाखी है, वैसे एग्जैक्ट मैं भी नहीं बताऊंगा लेकिन 14 बता रहे थे बैसाखी है, तो 14 तारीख के लिए जो डेकोरेशन वगैरह करनी है। तो संघ वाले आए वहाँ पे, उन्होंने काफ़ी सारा डेकोरेशन के लिए सामान लाया है, तो उनको आदमी कम पड़ रहे हैं, तो अंकल ने बताया कि आप आ जाओ। वैसे आज संडे, आज भी काम भी नहीं है, तो जाएंगे उधर ही करेंगे मंदिर का काम, क्योंकि मंदिर का काम करना काफ़ी पुण्य का काम होता है। तो जाएंगे, मेरे साथ भैया और अजय भी होंगे, तो चलो यार चलते हैं। अजय हम ऊपर से आएंगे इधर। सही चल रहा है पर आज पार्टी तो नाश्ता सो भाई मस्त काम चल रहा है। तो हम सारे यहाँ पे बैठे हैं अभी अभी हम ये यहाँ पे ये जो है सजावट कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा काम है मंदिर का, पुण्य कमाइए आप भी अच्छे अच्छे काम कीजिए। अजय कितना पुण्य कमाएगा, कितना पुण्य कमाना है, जितना हो सके। तो काफ़ी ये बंदा काफ़ी अच्छा है अजय, करते हैं काम वगैरह। काम खत्म कर दिया, अंदर मंदिर की जो सजावट थी कंप्लीट की है, भैया भी मेरे साथ था। तो कैसा लगा सजावट करके? मंदिर की सफाई है ना, पुण्य का काम है ये। और क्या, लोगों को बोल कुछ उसके बारे में। क्या बताऊँ आपको, मैं कुछ बता ही नहीं सकता है, आप खुद ही समझदार हो। तो जानते ही हो दोस्तों यार, आप मंदिर की सफाई करना कितना पुण्य का काम है वगैरह, व्यू देख सकते हो आप, देख सकते हो इधर से पूरा सजावट कर ली। अभी हम नीचे गए थे दरिया पे, मुँह शुद्ध होया हमने, थोड़ा गर्मी काफ़ी हो गई थी, वैसे काफ़ी अच्छी हवा चल रही है अभी यहाँ पे। तो अभी हम जाएंगे घर, नाश्ता वगैरह किया था हमने, अब जाएंगे लंच वगैरह करेंगे, तो चलते हैं यार, पानी वगैरह पीते हैं अभी कूलर पे। हम घर आ चुके हैं तो सबसे पहले कैप उतारते हैं। यार ये कैप मैं नहीं लगाता, ये धूप की वजह से लगाता हूँ, ये आंखों पर पड़ती है पूरी की पूरी धूप, फिर आँखें बंद हो जाती हैं पूरी, ऐसे रहती हैं खुली थोड़ी सी। तो देखते हैं यार क्या काम हुआ अभी तक। भाई साहब हालत खराब है इधर, ये देखो हालत क्या है, मैं आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ, इतना दूर रख के मोबाइल कि बाजू पूरी स्ट्रेच करनी पड़ती है, फिर कितना अच्छा व्यू आता है पीछे से। तो वैसे शायद अगर कोई और कैमरा होता उससे ज़्यादा वाइड व्यू आता, लेकिन इससे काफ़ी कम व्यू आता है। तो यार देखो हालत क्या है अभी इधर रूम की, कल मैं यहाँ सो रहा था, अभी देखो यार छोटा ठीक ठाक है, लड़की भी से छोटी है वो। चलो यार आज भाई के रूम में बैठ के सोएंगे, बैठ के सोएंगे यानी सो जाएंगे यहीं पे। तो यार ये वाले कमरे की हालत भी बिल्कुल ख़राब है, इसको भी अभी अभी काम चल रहा है इसलिए सारा ट्रंक शॉट मचा हुआ है। तो दोस्तों यार तो अभी आज यहीं सोना पड़ेगा हमको, क्योंकि वहाँ पे काम चल रहा है, तो यहीं पे हम सोएंगे आज, दूसरा इधर सोएगा, मैं इधर सोऊंगा,
पहले मैं इधर ही सोता था, लॉकडाउन पूरा लॉकडाउन में इधर ही सोया था, इधर ही पे। तो उस टाइम पे यार जम्मू गया था शायद, एक दो महीने का कुछ था, पता नहीं याद नहीं आ रहा है मुझे। तो यहीं पे था मैं, उसके बाद मैंने शिफ्ट कर लिया उधर। उधर मैंने एक खाट ली थी, उसी खाट पे सोता था मैं। तो खाट पे बहुत मज़ा आता था सोने में, बेड पे बहुत सख्त है यार ये, बिल्कुल मैट्रेस है इसको नीचे, लेकिन सख्त है फिर भी। तो इधर ही सोएंगे आज फिलहाल, तो मैं आ गया हूँ और थोड़ा सा रेस्ट करेंगे अभी। बताइए दोस्तों, ये आ गया, ये मेरे से बड़ी लड़ाई करता है यार, इसको पता नहीं क्या जिद है मेरे से। बस अभी पानी पिएगा तो बस मारने लगेगा मुझे मुक्के तर। अभी देखो पानी पिएगा, बोला था ना पी गया पानी। गाइस मैं तो पानी पी रहा हूँ, मगर इसकी हड्डियां पसलियां मैं ही तोड़ूंगा। सीधा रहे, चुप रहे, शांति 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 का ड्रामा ड्रामा मत कर, ठीक है? ये ओ ओ ओए, ना 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 ये मत कर यार, अभी आया अब ओए आई कान में चले गया भाई। देखो दोस्तों अब इसका क्या किया जाए। तो इसको मैं छोड़ूंगा नहीं यार, इसकी खेर नहीं, अब रुक जाओ। मम्मी इसका क्या किया जाए, इसने पानी डाला मेरे को। हाँ तेरा बड़ा भाई है, बड़ा भाई ये तो ये पानी डालेगा इसे। भाई बड़े भाई के साथ थोड़ा तमीज से रहना चाहिए बाबा, छोटे को जो चाहिए छोटा वही करना चाहिए। तो फिर ये मेरे को छेड़ेगा ऐसे? बड़ा भाई ये किसी को छेड़ भी सकता है। देख क्या क्या ड्रामा कर रहा है उधर, छोटा भाई है तो इसको दाड़ा नहीं मार सकता है, तेरी बेइज्जती होगी ऐसी। फिर क्या करूँ क्या करूँ मैं, बदनामी होगी कि छोटा भाई बड़े भाई के साथ क्या नाम लेते, बदतमीजी करता है। ड्रामे कर रहा है यहाँ पे, हम खेलते हैं हैंड पावर, जो हारेगा उसको चपात, ठीक है? जो हैंड पावर, हैंड पावर खेलेंगे, ना ना हैंड पावर खेलेंगे, जो हारेगा मम्मी उसको चपात। कमजोर का है, तगड़ा है बड़ा, इसके साथ क्यों खेलेगा? मंजूर है इसको, मंजूर है तेरे को? नहीं दूंगी मम्मी, आप चुप रहो, इसको समझाओ पहले, ठीक है? मम्मी इसको समझा लो, ना ना मैं नहीं, ऐसे ना, इसने कान में डाल दिया पानी मेरे को, फिर दर्द होती है कान में। क्यों डाला इसके कान में? मैं वीडियो बना रहा था। मम्मी मम्मी तंग नहीं कर मेरे को, इसको इसको बोलो अगर ये हैंड पावर में हार जाएगा तो ओए चल निकल दफा। हे चैलेंज है, ये चैलेंज ओपन चैलेंज है, ओपन चैलेंज है, शक्ल दिखा इधर जरा, चैलेंज है ये, चल निकल इधर से। देखो मम्मी, देखा देखा मम्मी, ये वीडियो चला देगा यूट्यूब पे तो ज्यादा बनेगा। चल निकल यहां से। मम्मी छोड़ो मत कर, आया मजा? मम्मी कुछ नहीं हुआ, मम्मी इसको हेलो कर यार मेरे साथ, तो निकल, हेलो दफा निकल इधर से, राम राम ये कर दिया, राम राम इधर खाकी, राम 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 निकल, राम 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 राम। तो दोस्तों यार लड़ाई वगैरह नहीं करना चाहता मैं भैया से, वो तंग करते रहता है मेरे को, तब मैं क्या करूँ। अभी मैं सोया था, बोलने का सीधा ही पानी डालूंगा मैं तेरे मुंह पे, अभी मैंने बोला मत डाल मत डाल, फिर भी उसने डाल लिया, अब क्या ही करते हैं। अब मेरे कान में चले गया था पानी, उस वजह से मेरे को गुस्सा चढ़ा, तब गया मम्मी ने बोला कि ऐसे वैसे, तो फिर क्या ही करता मैं, फिर तो ऐसे हाथ दिखा रहा था, ऐसे ऐसे मैंने हाथ को ही पकड़ लिया, बाद में रोने लगा, तब क्या ही करता। तो दोस्तों यार एक बात बतानी थी आपको, काफ़ी लोग कह रहे थे मुझे कि तू एक नया मोबाइल ले ले या कुछ सेटअप ले ले वैसा, जिससे क्लैरिटी अच्छी आई और व्यू भी वाइड आए, और एक माइक भी ले ले जिसकी वजह से जो मेरी वॉइस है, वैसे मेरी वॉइस मुझे लगता है कि आप तक अच्छे से पहुंच पाती होगी, आपको पूरी तरीके से समझ आता होगा, वो एक अलग बात है। लेकिन माइक से क्या होता है कि माइक से एक अच्छी क्वालिटी आती है, जो आप सुनोगे काफ़ी क्लियर आवाज़ आती है, वो बात है माइक की। वैसे ये मोबाइल है जो ये काफ़ी पुराने, लगभग 2-2.5 साल हो गए इस मोबाइल को, तो मेरे पास नहीं है यार उतने पैसे अभी कि मैं दूसरा मोबाइल ले सकूं या माइक वगैरह ले सकूं। फिलहाल तो मैं ऐसे ही ब्लॉगिंग तो मैंने जस्ट ऐसे ही सुबह उठा था मैं, आप अगर मेरा पहला ब्लॉग देखोगे तो बिल्कुल एकदम बोर सा है, लेकिन मैंने सोचा कि आज मुझे ब्लॉग बनाना चाहिए। सुबह मैं उठ गया तो रनिंग के लिए निकल गया, तो वैसे ही चलते चलते आपको जो मुंह में आया बकते गया, तो उस व्लॉग पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया था मेरे को, लगभग 100-150 व्यू आ गए थे उस वाले व्लॉग पे, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा थैंक्स आपको।
तो अब मैं क्या होता है कि स्टार्टिंग में कैमरा के आगे आदमी बोल नहीं पाता है कुछ, थोड़ा टाइम लगता है बोलने में और थोड़ा सीखने में। जैसे मैं एकदम कैमरा की तरफ अभी देख रहा हूँ बिल्कुल सेम टू सेम बिल्कुल, तो पहले पहले नहीं देख पा रहा था, टाइम लगता है। अगर कोई नए ब्लॉगर ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो मैं उनको यही बोलूँगा कि स्टार्टिंग में आप थोड़ा थोड़ा ब्लॉग बनाओ, कम कम थोड़ा थोड़ा, दो दो चार चार मिनट का, उसके बाद आप लॉन्ग ब्लॉग डाल सकते हो। वैसे स्टार्टिंग में आपको कुछ अजीब जैसा लगेगा, फीलिंग आएगी अंदर से कि नहीं यार मेरे को ये वीडियो नहीं डालना चाहिए यार, ऐसे होगा वैसे होगा ये वगैरह, तो कुछ नहीं होता यार, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, ब्लॉगिंग कोई गलत काम नहीं है। आप एक अपना लाइफ स्टाइल दिखा रहे हो, आप गाँव में कैसे रहते हो या अपने घर में क्या क्या करते हो, तो यही सेम चीज़ है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो अगर आप भी ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो, मोबाइल से ब्लॉग बना के ऐसे अपलोड कर सकते हो, लोग देखेंगे वो फिर पता नहीं क्या बात है। तो वैसे तो मैं भी रोज़ ब्लॉग बना रहा हूँ, डाल रहा हूँ। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलता हूँ किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।